नमस्कार, आप बिहार सिटी जब में हमारे साथ समस्तीपुर भाजपा के जिला अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा। नमस्कार सर। अभी जो है तो हम लोग बात करेंगे आपसे महंगाई पे और ये जो किसान का आंदोलन चल रहा है उस पे। बिहार में किसान आंदोलन देखने को नहीं मिल रहा, बहुत छोटा स्तर पे देखने को मिल रहा है, लेकिन क्या लगता है आपको कि ये जो कानून सरकार की है इसमें कहाँ तक सही है, कहाँ आप लोग को, क्योंकि आप लोग पार्टी से हैं तो आप लोग तो सही ही बताएंगे, तो किस तरह से सही है किसानों के लिए ये थोड़ा बताइए। देखिए, हमारी सरकार पूरे देश का चहुमुखी विकास करना चाहती है, उसमें बहुत बड़ा आबादी जो कृषि पर आधारित है, पूरा देश के लगभग 70% लोग कृषि पर ही अपना जीवन यापन करते हैं या इससे जुड़े हुए लोग, तो निश्चित रूप से बाकी लोगों का ध्यान रखते हुए साथ साथ किसानों के बारे में हमारी सरकार बहुत ही गंभीर है और इसको लेकर के किसानों को के बीच जो समस्याएं हैं उसके प्रति गंभीरता को देखते हुए उन्होंने किसानों के हित में और उनकी समस्याओं को देखते हुए उनको और सहूलियतें मिले इसके लिए कृषि बिल 2020 माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है हमारे आदरणीय कृषि मंत्री जी ने लाया, और ये निश्चित रूप से किसानों के हित में है, क्योंकि ये जो कानून बना है वो पहले से जो किसानों को सुविधाएं मिल रही है उसमें कोई कटौती नहीं है। इसके अलावे ऐसे 3 प्रावधान दिए गए हैं जिससे किसानों को सहूलियतें होगी। पहले किसानों को बहुत सारी उस पर अंकुश था कि वो अपने फसल मंडियों के माध्यम से ही बेच पाते थे या फिर कम दाम में उनको व्यापारियों को बेचना होता था। आज किसान को स्वतंत्रता मिली है, आज़ादी मिली है कि वो जहाँ चाहे वो अपने फसलों को बेच सके, जब चाहे तब तो बेच सके, और इसके साथ साथ किसानों को व्यापारियों से या फिर कहें जो छोटे छोटे उद्योग हैं जिनसे डायरेक्ट किसानों को सीधे जुड़ाव हो पाए इसके लिए भी उनको सुविधाएं दी गई है। सीधे सीधे वो व्यापारियों से अपना कॉन्ट्रैक्ट कर पाएंगे, अनुबंध कर पाएंगे, और उसके द्वारा बताए गए कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा बताए गए निर्देशों पर वो अपना खेती करेंगे जिससे उन्नत खेती होगा और वो फसल भी निश्चित रूप से वो पहले से तय रहेगा कि हम इस दाम में देंगे। तो ये सुविधा मिल रही है कि वो जो उनसे अनुबंध करेगा वो निश्चित दाम में जो पहले से तय रहेगा उस दाम में वो समय से किसानों से ले पाएगा। इसके साथ साथ ये कोई जरूरी नहीं है कि हम अनुबंध करें, किसानों को ये सुविधा प्राप्त है, और इसके अलावे वो कोई अनिवार्य नहीं है कि वो चाहे तो करे अनुबंध या ना करे। इसके साथ साथ सामूहिक खेती पर भी जोर दिया गया है FPO के माध्यम से कि किसानों को, क्योंकि आबादी बढ़ी है, रकबा घटा है, तो निश्चित रूप से छोटा छोटा हमारा किसानों का छोटा छोटा जमीन है, और यदि वो एक समूह बना करके खेती करते हैं और सभी किसान FPO के माध्यम से उसका इस्तेमाल करते हैं तो निश्चित रूप से बड़े दो भाग में कोई भी फसल लग पाएगा, उसका सही से उसमें उन्नत बीज डाले जाएंगे, खाद समय से डाले जाएंगे, और वैज्ञानिक कृषि वैज्ञानिक के माध्यम से वो खेती होगी, तो निश्चित रूप से किसानों के हित में ये सारे बिल हैं। और विपक्षियों के द्वारा जो किसानों के मन में या फिर भोले भाले लोगों के मन में भ्रांतियाँ इस बिल के बारे में भरी जा रही है वो निश्चित रूप से सिर्फ और सिर्फ व्यापारियों और दलालों और मंडी में और किसानों के बीच में, या फिर यूँ कहें कि किसानों के अहित में और व्यापारियों के हित में वो जो काम करने वाले बीच वाले जो थे जिनको खेती से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ किसानों का शोषण वो करते थे। आप देखते होंगे कि पहले मंडियों में जाने के लिए जगह जगह पर उनको टैक्स देना पड़ता था, चाहे वो ट्रैक्टर से जा रहा है, बैलगाड़ी से जा रहा है, तो जगह जगह वो बाजार समिति के नाम पर
लोगों से टैक्स लिया करते थे 50 रुपए 100 रुपए, जिससे किसान को जबरदस्ती देना पड़ता था। इन सब से आजादी हमारी सरकार ने दी है और दलाली समाप्त हो गई है। अब जो विरोध कर रहे हैं, चूंकि बिहार में इस तरह का कोई मामला है नहीं, बिहार में किसान आंदोलन नहीं चल रहा है, ना इनको समर्थन मिल रहा है, लेकिन जो देश की स्थिति बनी है उसमें कुछ जगहों के जिनका जो बड़े बड़े घराने से जुड़े हुए लोग हैं या फिर बड़े मंडियों से जुड़े हुए लोग हैं, उनको वो जो बीच का पैसा उनको आ रहा था, उस पर आघात जरूर हमारी सरकार ने किया है। और सरकार हमारी अंत्योदय का सपना लेकर के चली है और आम लोगों को सुविधा मिल सके, इसके लिए ये लड़ाई लड़ी जा रही है। तो लड़ाई जब शुरू में लड़ी जाती है तो विरोध का सामना करना ही पड़ता है। ये सब कोई मामला नहीं है। कोई भी किसान आज जो वास्तव में किसान है, कोई हड़ताल पर नहीं है, कोई आंदोलन में नहीं है। यदि किसान आंदोलन में रहेंगे तो किसी को न सब्जी मिलेगी समय से और न समय से दूध मिलेगा, इसलिए ये सब कोई मामला नहीं। सर, आप एक बात बताए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का अनुबंधित, तो ये तो पहले से चल रहा है कि अभी भी ठीका पर लोग यहाँ पे बिहार में देते हैं, लोग अपना जमीन ठीका पे देते हैं, वहाँ पे किसान देते हैं, तो ये तो अभी भी चल रहा है, तो इसमें कोई नया बात नहीं है। उसमें एक तो MSP का मांग कर रहे हैं किसान जो बैठे हुए धरना पे, यहाँ पर भी MSP को, अब तो खैर जो तीनों कानून वापस लेने की बात हो रही है, लेकिन पहले तो MSP की बात हो रही थी, तो MSP को सरकार क्यों नहीं डालना चाहती है? देखिए, MSP जो सरकार पहले से जो दे रही थी, हमारे प्रधानमंत्री जी ने और कृषि मंत्री जी ने भी स्पष्ट कहा कि MSP जो
आपने कहा शराबबंदी का मामला, तो कोई भी चीज यदि गलत है तो उसको सही करने के लिए जो कदम उठाए गए उसको आप गलत साबित नहीं कर सकते। शराबबंदी के कारण पूरे बिहार में वातावरण बदला है। पहले जो गरीबों के घर में दिन भर मजदूर मजदूरी करता था और घर उसके एक रुपए भी नहीं जाता था, आज वो आज सड़क किनारे मुख्यमंत्री जी ने और भाजपा की के सहयोग से जो सरकार चल रही थी उन्होंने शराबबंदी को बढ़िया से लागू किया है और कुछ गड़बड़ियां हैं और जरूरत है उसको ठीक करने की। कुछ माफिया लोग इसमें लगे हुए हैं, सरकार को बदनाम करने की साजिश है, कहीं कहीं इस प्रकार की घटनाएं देखने को मिलती है। इसको भी धीरे धीरे रास्ते पर लाने में थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि एक बार 5 साल यदि आप अपराध के रास्ते पर यदि समाज चला जाता है या फिर यूं कहें कि समाज का अपराधीकरण हो जाता है तो फिर उसको एक जनरेशन लगता है उसको ठीक होने में, या तो 15 साल भ्रष्टाचारी और उस तरह के लोगों का सरकार रहा तो उसको ठीक होने में थोड़ा वक्त लगेगा। सब उसमें हम लोग भी सब हम लोग भी बात समय समय पर इस प्रकार का जो भी आता है उसको हम लोग देखते हैं, उस पर हम लोग जहाँ संबंधित जगहों पर मामले को उठाते हैं उसको ठीक करने की थोड़ी और जरूरत है। परंतु जो सपना था, जो सोच था, जिस सोच से इसको शराबबंदी लागू किया गया था वो निश्चित रूप से साकार होता नजर आ रहा है। शाम में आप चौक चौराहे पर शरीफ लोग नजर आते हैं, पहले नजर नहीं आते थे क्योंकि शाम होते ही चौक चौराहों का वातावरण खराब हो जाता था और मजदूरों के घर में एक पैसे नहीं जाते थे, भर दिन मजदूरी करने के बावजूद भी उनके बच्चे भूखे रहते थे, नंगे रहते थे। आज वो स्थिति बदल गई। सर, शराबबंदी से जो बेनिफिट हुआ है समाज को वो समझ रहे हैं, लेकिन उससे जो अभी जो हालत होते जा रही है, अभी भी आप कल्याणपुर की एक घटना था जहाँ पे एक हैप्पी नाम का लड़का जो है उसको 30 दिसंबर को उठा के ले गए प्रभात चौधरी और वहाँ के कुछ हैं बहुत ज़्यादा बड़े कुख्यात अपराधी थे जब पकड़ा गया था तो पता चला। तो इस तरह का जो मतलब कि समाज के बीच में रह के एक गांव को एक पंचायत को डरा के वहाँ पर कारोबार कर रहे हैं, तो इस तरह से किस तरह से इस पर सरकार अंकुश करेगी, क्योंकि पूरे पंचायत को अगर समस्तीपुर में ही देखा जाए तो अब नगर निगम बन गया, नहीं तो पहले 381 या 383 पंचायत हुआ करता था, तो इतने पंचायत पे अगर कारोबार चल रहा है उस हिसाब से यहाँ प्रशासन भी नहीं है, तो किस तरह से इसको कैसे सही किया जाएगा? बेरोजगारी का भी बहुत ज़्यादा मुद्दा है। देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि अपराध तो समाज में पूर्व में भी हुआ है अभी भी हुआ है, तुलनात्मक दृष्टि से देखेंगे तो अपराध पर नियंत्रण है। शराब माफियाओं का एक गिरोह अवश्य है जिस पर काम करने की आवश्यकता है। आप ये देखिए कि अपराध होने के बाद कार्रवाई होती है कि नहीं होती है। सरकार जो पहले एक समय वो भी था कि अपहरण होकर के और माननीय के आवास पर अपहरित रहते थे, अपहरण करता उनको माननीय का मतलब आप समझ रहे हैं पटना में रहा करते थे और जिनको अगवा किया जाता था वो उनके आवास पर रहते थे और वहां से सारा खेल होता था। आज उस पर नियंत्रण है, आज अच्छे लोग पटना पहुंचे हैं, उस तरह का सारा वातावरण समाप्त है। एक ये माफिया का मामला है, शराब माफियाओं का, उस पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है। सरकार इस पर गंभीर है, कार्रवाई भी होती है, अपराध होता है तो तुरंत कार्रवाई भी होती है। अभी समस्तीपुर में भूमाफिया का भी बहुत ज्यादा ये बढ़ते जा रहा है, तो इस सब पे किस तरह से भूमाफिया का आज भी आप सुने होंगे कि जितवारपुर में हुआ है रोड से जाम हुआ है, तो इस तरह पर पुलिस प्रशासन भी एकदम खामोश हो जाती है, वो कुछ एक्शन नहीं, इस तरह का कोई ठोस कानून भी नहीं है जो इस तरह के गिरोह का या फिर कोई माफिया इस तरह का काम कर रहे हैं तो उस पर कोई अंकुश लगा सके। तो इस सरकार कानून बना सकती है, इम्प्लीमेंट समाज के लोग शुरू करते हैं, समाज जब तक जागृत नहीं होगा, आज चंद मुट्ठी भर लोग पूरे सभ्य समाज को डरा करके रखने का प्रयास करते हैं,
तो बाकी जगहों पर इस पर नियंत्रण है, लेकिन कुछ जगह ऐसे हैं, पूरे बिहार की बात करूं या फिर समस्तीपुर की बात करूं, तो समस्तीपुर में भी कुछ जगह ऐसे हैं जहां पर इस तरह का मामला आता है। हमारे जन शिकायत केंद्र पर भी ऐसा आया है, आज की भी घटना है। तो वैसे लोगों पर हम लोग के माध्यम से और हमारी सरकार के माध्यम से उस पर निरंतर प्रयास जारी है, उस तरह के लोगों पर दबाव डाल करके, उस समाज में जो पिछड़े और वंचित और दलित लोग हैं जिनको डराने का प्रयास किया जाता है, उन लोगों के साथ भाजपा हमेशा खड़ी रहती है। हाँ, थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि मनोवृत्ति उसी प्रकार का उन लोगों का है, वो जाते जाते जाएगा। सरकार गंभीर है, प्रशासन पर हम लोगों ने बात किया है, प्रशासन भी उस पर लगी हुई है। निश्चित रूप से भू माफियाओं का जो वर्चस्व है या फिर जो आतंकित करने का काम गरीबों के पर होता है, उस पर हम लोग भी गंभीर हैं। निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई करवाएंगे और निश्चित रूप से जो अपराध करने वाला है जेल जाएगा। एक आखिरी सवाल है महिला सशक्तिकरण पे, कि महिलाओं के लिए सरकार तो अभी 25,000-50,000 का जो राशि दे रही है वो दे रही है, लेकिन सुरक्षा को देखा जाए महिलाओं का, जब सशक्तिकरण की बात होती है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं देखने के लिए नहीं मिलता है। बहुत जगह पर रेप का मामला, दहेज प्रथा में मार दिया गया है, बहुत ऐसा घटना आए दिन सुनने के लिए मिलता है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन है सरकार की, तो ये सब पे भी कैसे, मतलब कि काम या तो सही से नहीं हो रहा है या फिर कहीं ना कहीं कुछ तो दिक्कत है जहाँ से इस तरह का मामला भी सामने आ रहा है इतना डेवलपमेंट के बाद। देखिए, जब तक ये सारे मामले इसलिए आते हैं क्योंकि जो हमारी आधी आबादी है और जिससे परिवार चलता है, हमारी मातृशक्ति है, उनमें शिक्षा का अभाव रहा है, जिसके प्रति गंभीर होकर के, देखिए जड़ में किसी भी समस्या के जड़ में जब जाएंगे तो उसके जड़ का अगर इलाज करेंगे तभी वो लंबे समय के लिए उस समय वातावरण सही हो पाए। इसलिए लड़कियों और बच्चियों के लिए जो हमारी सरकार ने शिक्षा का माहौल बदला है, शिक्षा के प्रति जागरूक किया है, आज लड़कियां और महिलाएं, लड़कियां बच्चियां जो हमारी पहले की अपेक्षा अब ज़्यादातर शिक्षित हो रही हैं, स्कूल कॉलेज जा रही हैं, तो इस प्रकार का कुछ घटना अवश्य हो जाता है, उस पर कार्रवाई भी होती है। निश्चित रूप से शिक्षा जब बच्चियों में आएगा और आधी आबादी जब शिक्षित होगी, ये सारी समस्या अपने आप समाप्त हो जाएगी। थोड़ा समय लगेगा और निरंतर इस पर सरकार भी प्रयास जारी की हुई है, प्रोत्साहन के लिए बच्ची हमारी वेल एजुकेटेड हो, उच्च शिक्षा प्राप्त करे, इसके लिए प्रयास जारी की हुई है, उसके लिए प्रोत्साहन राशि भी दे रही है। और निश्चित रूप से आप देखेंगे औसत जब निकालेंगे तो हमारी बच्चियाँ आज स्कूल कॉलेज जा रही हैं और पहले की अपेक्षा तो बहुत अभी सुधरा है। पहले तो संध्या होने के बाद कोई महिलाएं या बच्ची सड़क पर निकल नहीं सकती थी, आज तो 10 बजे आपने समस्तीपुर में ही देखी, समस्तीपुर में भी पहले आप मुसरी घरारी के बाद और शहर तक में पूरा सुनसान हो जाया करता था, कोई बच्ची या कोई महिलाएं निकल नहीं सकती थी, आज 10-11 बजे रात तक हमारी बच्ची बाजार में रहती है, फिर जहाँ भी उनको जाना होता है ट्यूशन कॉलेज वगैरह करती है, माहौल बदला है, इस तरह का बात नहीं है। ठीक है, धन्यवाद सर, थोड़ा परिचय आप लोग भी अपना अपना दे दीजिए। मैं ओम प्रकाश मिट्टू, जिला महामंत्री युवा मोर्चा समस्तीपुर। मैं सुजीत भास्कर, पंचायती राज प्रकोष्ठ जिला संयोजक समस्तीपुर। मैं प्रभात कुमार, जिला का महामंत्री। मैं मोहन मल्लिक, प्रदेश सह संयोजक भारतीय जनता पार्टी महादलित प्रकोष्ठ बिहार प्रदेश। नमस्कार, मेरा नाम राजू कुमार और जिला कलेक्टर। धन्यवाद।